जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। तो वहीं उनकी वाइफ हसीन जहां भी दोस्तों अपने लुक्स, अपनी फोटोज, अपनी स्टेटस को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं बटोरती है सोशल मीडिया की दुनिया पर। आप सभी को बता दें, एक ऐसा ही पोस्ट उन्होंने जुलाई के महीने में किया था इसी साल 2021 में, जिसकी वजह से ये काफी सुर्खियों में आई थी और उनकी तीसरी शादी को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शमी से शादी करने से पहले इनकी एक शादी हो चुकी थी जिनसे इनकी दो बेटियां भी थी, लेकिन उस शख्स के साथ इनका तलाक हो गया था क्योंकि वो चाहते थे कि हसीन जहां काम ना करे घर पर ही रहे। लेकिन ऐसे में हसीन जहां को उन्होंने एक ऐसी महिला बताया था जो हमेशा ही व्याकुल रहती है अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशनल को लेकर। इसी वजह से इनका पहले पति से तलाक हुआ। जब दूसरी बार शमी के साथ इनका बंधन बंधा तो उनसे एक बेटी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इनके बीच खटास आने के बाद रिश्ते में ये दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। तो वहीं इन्होंने एक ऐसी फोटोज पोस्ट की थी जिसमें ये दुल्हन के लुक में नजर आ रही थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जिसमें वह दुल्हन की तरह सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहने नजर आ रही थी। जुलाई 2021 की फोटो थी। इस फोटो को देख फैंस को लगने लगा कि शमी की वाइफ ने तीसरी बार निकाह कर लिया है। मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां ने जहां पर ये फोटो पोस्ट की, उसी के बाद इनके कमेंट सेक्शन इसी बात से भरने लगे, क्या तीसरी बार शादी कर रही हो? आपको बता दें, ये लाल रंग की साड़ी, हाथों में चूड़ी, लाल बिंदी और खुले बाल में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। इस फोटो को देखकर फैंस को सचमुच लगने लगा कि वो तीसरी बार शादी कर रही है। ऐसे में एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया कि बेगम बनने जा रही हो क्या? हसीन के इस लुक को देखकर फैंस धोखा जरूर खा गए, उन्होंने कहीं शमी से तलाक लिए बिना ही शादी तो नहीं कर रही। आपको बता दें दोस्तों, ये भी हैरानी की बात है कि शमी और हसीन जहां के बीच इतना कुछ घटा। साल 2018 के विवाद को आप सभी जानते होंगे बखूबी, किस तरीके से गंभीर आरोप हसीन जहां ने शमी पर लगाए थे, उन आरोपों की क्या सच्चाई थी, क्या झूठ था, वो सब कोर्ट में साफ हो गया था। लेकिन शमी और हसीन जहां को लेकर ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि इनका तलाक अभी तक नहीं हुआ है। क्या ये एक दूसरे का साथ फिर से देंगे, या एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग रखेंगे, अलग रहेंगे, या हसीन जहां फिर से किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे, या शमी अपने जीवन में किसी और को लाना पसंद करेंगे, वो तो दोस्तों इनका निजी फैसला है, वो उन पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।